आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। गजरौला थाना क्षेत्र के गांवपाल के निकट एक खेत में तेंदुआ देखा गया। तेंदुआ देखने से किसानों में दहशत का माहौल है। यदि खेत पर 3 व्यक्ति जाते हैं तो वह 2 कार्य करते हैं और 1 को चौकीदारी के लिए खड़ा कर देते हैं, कहीं किसी और से तेंदुआ ना आ जाए। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि देर रात करीब 10:45 पर पाल के निवासी पवन गजरौला से 4 पहिए वाहन से सवार होकर अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वह गांव के समीप पहुंचे कि 4 पहिया वाहन की लाइट सड़क के किनारे बैठे तेंदुए पर पड़ गई, जिससे तेंदुआ लाइट को देखकर पीक में चला गया। इतना देखकर पवन ने तुरंत थाना निरीक्षक को फोन कर आपबीती सुना दी, जिसे सूचना पाकर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, परंतु तब तक वह तेंदुआ ईक के खेत के अंदर घुस गया था। पवन चौहान ने रात को ही अपने गांव में सबको बता दिया कि कोई भी गांव से बाहर न जाए, यदि जाए तो अपनी सुरक्षा के साथ में। इसी बात को सुनकर सुबह बंदरोगा ने मौके पर पहुंच निरीक्षण किया, जहां पर बंदरोगा राकेश कुमार ने बताया कि तेंदुआ जंगल में हो सकता है और यह भी हो सकता है कि वह कोई जंगली बिल्ली हो, दोनों ही बातें हैं। परंतु जब राकेश कुमार ने पवन कुमार से बात की तो पवन कुमार ने यकीन दिलाया कि वो तेंदुआ था। इस बात को सुनकर वन विभाग की टीम ने चौकसी से नजर लगाने के लिए कहा। क्या नाम है आप? चौहान। अच्छा चौहान जी, कल जो आपने तेंदुआ देखा था, क्या है पूरा मामला, कहां पर देखा था, कौन सा? 10:30 हम गजरौला से अपने गांव जा रहे थे, गांव के बीच में रखा बाग पड़ता, वहां पर सड़क किनारे तेंदुआ घास लगाए बैठा। उसके बाद हमने अपनी गाड़ी रोकी और वो हमें देख के ईक में घुस गया। अच्छा, कहां, कौन सा गांव पड़ता है आपका? गांव पाल। जो आपने तेंदुआ देखा था वो किस जगह देखा था? वो गांव के और गजरौला के बीच में ईक के खेत में देखा था, सड़क पर। अच्छा, तो अब आपके गांव में कैसा माहौल है, वहां से लोग आ जा रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं या नहीं? रात आवागमन बंद हो गया था। अच्छा, और गांव में आवाज लगवा दी गई थी कि तेंदुआ आ चुका। अच्छा, तो क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं आपके गांव के या अभी? बच्चे नहीं? पूछ गए और सहमे डर कर स्कूल जाने को मना कर रहे हैं।